गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक वन घोषित करने के बाद सभी अगर राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर मंदिर, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, ये खुलने थे। और इसके अलावा रेस्टोरेंट की बात की जाए, होटल की बात की जाए, तो उन्हें भी खोलने के दिशा निर्देश दिए गए थे, हालांकि उनको कुछ नियमों का पालन करना था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कर्फ्यू अभी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है और कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थल बंद हैं, होटल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भी अभी फिलहाल बंद हैं। अगर बात की जाए पर्यटन स्थल की, तो होटल वालों ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम होटल नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी हिमाचल प्रदेश में आने के लिए आपको ई पास की आवश्यकता रहती है। तो बिल्कुल होटल वालों ने साफ कर दिया था कि यदि होटल खुलते हैं तो समस्या ये होगी कि खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि पर्यटक नहीं आ रहे हैं इसलिए आमदन नहीं होगी, इसलिए होटल खोलना अभी मुमकिन नहीं है। हम प्राइवेट बस की बात करें तो आज फिर इक्का दुक्का प्राइवेट बस ही राजधानी में देखने को मिली है। ये भी पता चल रहा है कि राज्य के अन्य जो ये ज़िले हैं वहाँ पर भी प्राइवेट बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटरों का भी यही कहना है कि अगर तय दिशा निर्देशों के अनुसार, जैसे हम कह रहे हैं कि 60% क्षमता के अनुसार अगर सवारियों को ढोना है तो किरायों में वृद्धि करनी होगी, और ये पता चला है कि वे 50% तक किरायों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में अभी भी टेक अवे सिस्टम लागू है, धार्मिक स्थल खुले नहीं हैं, और यदि ये खुलेंगे भी वहाँ पर भी बहुत सारी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अगर बात की जाए तो पर्यटक राज्य है, यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। अगर हम ज्वालाजी, कांगड़ा की बात करें, बृजेश्वरी देवी की बात करें, नैना देवी की बात करें, तो बड़ी संख्या में जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से जो लोग श्रद्धालु यहाँ इन मंदिरों में पहुँचते हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी, क्योंकि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हालांकि जो कॉलेज है और स्कूल हैं वो बंद है, लेकिन सरकारी कार्यालय, चाहे वो केंद्रीय सरकारी कार्यालय हो या राज्य सरकार के कार्यालय हो, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सुबह शाम यकीनन कुछ रौनक रहती है, लेकिन अगर बाज़ार भी जाएं तो कोई रौनक खास नज़र नहीं आती। लोग अभी एहतियात बरत रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, और ये भी कहा जाए कि अनलॉक तो हुआ है लेकिन कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है, लगातार जो केसेस हैं उनमें वृद्धि हो रही है, इसलिए जब तक आवश्यकता ना हो आप घर से बाहर ना निकलें, जब निकलें तो मास्क लगा के निकलें और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, DD News शिमला।